द प्लेट इज़ हॉट प्लेट बहुत मज़े की लग रही है फ्राइड uh, चिकन है या बीफ है uh, बीच में एग भी है और बॉयल्ड राइस है मुझे इस किस्म के जो वॉक फ्राइड टाइप डिशेज होती हैं काफ़ी मज़े की लगती हैं जब मैं सिंगापुर में काम करता था तो ये मेरी वन ऑफ माई फेवरेट वहाँ एक हलाल शॉप थी uh, जो ये हलाल देती थी औरचिड uh, स्ट्रीट के ऊपर बहुत मज़े की थी खैर एनी anyway, इसलिए मैंने एग्जाम्पल में कोट किया है uh, के मुं पानी आ रहा है द प्लेट इज हॉट द प्लेट इज हॉट द रेड में है और प्लेट ब्लू में है द प्लेट द द्लेट इज हॉट आई एट एन एपल आपको समझ लग गई होगी कि मैं इस हम इस लेसन में क्या करने जा रहे हैं आई एट एन एपल क्योंकि जो चीजें रेड में होती हैं हम उसी को स थीम बनाते हैं जनरली पिछली कुछ वीडियो में से आप देख रहे हैं कि जो एन रेड में होती है वो सब्जेक्ट होती है हमारे उस लेसन का आई एट एन एप्पल मैंने एक सेब खाया आई एट एन एप्पल दिस इज द माउंटेन आई टोल्ड यू अबाउट और दैट ऊपर पहाड़ की तरफ नीचे इशारा में क्यों कर रहा हूँ दिस इज द माउंटेन आई टोल्ड यू अबाउट यही वो पहाड़ है जिसके बारे में आपको मतलब द माउंटेन दैट आई टोल्ड यू अबाउट तो माउंटेन ब्लू में है उसको एक चीज डिफाइन कर रही है उसको डिटरमिन कर रही है बता रही है कि यही वाला पहाड़ और वो क्या है वो द है अट द रूम एक बिल्ली कमरे में रात को आ गई। कैट कोई भी एक बिल्ली थी जो रात को कमरे में आ गई अगर मैं कहता आपकी कैट कमरे में आ गई और बात होती लेकिन मैं कह रहा हूं अ कैट एक बिल्ली थी जो कमरे में रात को आ गई तो आपने इस छोटी सी ये लेसन इतना बड़ा नहीं है क्योंकि इस टॉपिक इतना वसी नहीं है लेकिन आपने इस लेसन में अभी तक आपने तीन अल्फाज का इस्तेमाल देखा है ए एन द का जो कि रेड में अंडरलाइन हुए हुए थे ए एन द ये भी क्योंकि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर रहे हैं तो ये भी लैंग्वेज के अंदर अल्फाज के अंदर इनकी भी एक जगह है बहरहाल क्योंकि आप जब कहते हैं आई एट एन एप्पल तो आप कहते हैं आई प्रोनाउन है एट वर्ब है एप्पल नाउन है तो फिर एन क्या है तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच तो पता होना चाहिए ना कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है इसकी क्या औकात है ये कौन से कबीले से ताल्लुक रखता है और ये जो कबीला है ये क्या डिटर्मिन करता है ये डिटर्मिन ये करता है जो ए एन दाह हमने पढ़ा है कि एक जो नाउन जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो डेफिनिट है कि इनडेफिनट है आप इमेज में देख रहे होंगे कि बहुत से ब्लैक में

आप ये नहीं कहते आपने वो वाला खाया जिसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ रेड वाली लाइन हो गई आप यहाँ से ये भी देखो कि हुपू की वीडियोस के पीछे कितने स्पेसिफिक इमेज डिजाइन और विजुअलाइजेशन है जो आपके लिए लाई जाती है ताकि जो बात कही जा रही है और जो विजुअल उसके साथ साथ आपके जहन में जम रहा है वो बिल्कुल एक जैसा हो ताकि वो बात आपको आपके जहन में आपकी अंडरस्टैंडिंग और आसान हो जाए तो ये जो ए एंड द है ये डेफिनेट और इनडेफिनेट के ये दो कबीले हैं जिनके साथ इनका ताल्लुक है ए और एन इनडेफिनेट कबीले से ताल्लुक रखते हैं और द डेफिनेट कबीले से ताल्लुक़ रखता है मतलब ये डेफिनेट, यानी ये वो चीज़ आप ये देखें डेफिनेट इज़ द ये ये वाली चीज़ डेफिनेट जब मैंने कहनी होती है स्पेसिफिक होना होता है किसी चीज़ की तरफ पॉइंट करना होता है किसी ख़ास मखसूस चीज़ की तरफ इशारा करना होता है किसी चीज़ को आम से स्पेसिफिक पे लेके आना होता है किसी मखसूस बात चीज़ पे बात कर रहा होता हूँ तो मैं द इस्तेमाल करता हूँ जब मैं एक आम किसी भी चीज़ किसी भी नाउन की तरफ रेफर कर सकता हूँ कि किसी ख़ास उसकी तरफ इशारा नहीं होता तो मैं ए या एन इस्तेमाल करता हूँ तो आपको आर्टिकल्स का यूज़ लैंग्वेज में आना चाहिए आसान है लेकिन जब आप एक्सरसाइजेस करेंगे तो आप देखेंगे कुछ स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइजेस के अंदर वो इसलिए हैं कि कुछ ऐसी होती हैं जिसमें शायद थोड़ा सा हो तो एक्सरसाइज करने से भी दूर हो जाएगा अब मैं कहता हूँ आई अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात अब नाउन के सामने अगर एडजेक्टिव लग गया तो फिर क्या करेंगे आई सॉ अ ब्लैक डॉग तो बस ये चीज नोट करने की है कि जो आर्टिकल है इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं ये आर्टिकल्स हैं। ए एंड इन तीनों को हम आर्टिकल्स कहते हैं तो ये जो जिनका ताल्लुक या जो या जो या डेफिनेट होगा या इनडेफिनेट होगा डेफिनेट द दे है और इनडेफिनेट ए या एन है जैसे मैं आपने पीछे, पिछले इमेज में देखा है आई सॉ ब्लैक डॉग इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने का ये है कि आई सॉ ब्लैक अ डॉग नहीं आया आई सॉ ब्लैक आर डॉग नहीं आया जो आर्टिकल था जो डेफिनेट या इनडेफिनेट कर रहा था वो एड्जेक्टिव से पहले आया बस ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए और आप एवरी डे लैंग्वेज में यूज करते हैं लेकिन अब आपको उसकी ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग होगी आई सॉ द ब्लैक डॉग आई सॉ ब्लैक द डॉग नहीं है तो जो आर्टिकल है वो ए है वो एन है, है या वो द है वो डेफिनेट है यानी द या वो इनडेफिनेट है यानी या ए या एन तो वो आपके एडजेक्टिव से पहले आ रहा है आई सॉ अ ब्लैक डॉग दिस इज द न्यू कार नई गाड़ी खड़ी हुई है आपने कहा दिस इज द न्यू कार आपने नहीं कहा दिस इज न्यू द कार तो जो आर्टिकल आया है यानी ए एन द में से जो द आया है जो कि आर्टिकल है और किस टाइप का आर्टिकल है दो टाइप के कौन सा है डेफिनेट टाइप है द जो आया है ये एडजेक्टिव जो कि न्यू है मैंने ये नई गाड़ी है दिस इज द न्यू कार कार नाउन है उसको डिस्क्राइब कर रहा है न्यू जो कि एडजेक्टिव है एब्जेक्टिव आप कवर कर चुके हैं द जो आर्टिकल है अब वो एडजेक्टिव से पहले आ रहा है एडजेक्टिव के बाद नहीं आ रहा कंफ्यूजन ये कभी जुमला बनाते हुए नहीं करना कि एडजेक्टिव के बाद बेसिक पॉइंट है लेकिन जो बच्चे जिनके स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग बेसिक है उनको एक क्लैरिटी हो जाएगी दिस इज द न्यू कार शी अच्छा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट शी इज द माई सिस्टर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आपने डेफिनेट इनडेफिनेट देख लिया आपने ये देख लिया कि एडजेक्टिव में जब भी एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा तो एडजेक्टिव से पहले आएगा आर्टिकल थर्ड इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है जब भी पोजेशन जब भी पोजेशन आ जाएगी जब आप कोई पोजेसिव प्रोनाउन लगा देंगे दिस इज माई कार दिस इज योर कार दिस दिस इज इज हिज हाउस हर हाउस जब आप ऐसा कोई प्रोनाउन लगा देंगे जो पोजेशन शो कर रहा होगा प्रोनाउंस का टॉपिक याद कीजिए अगर नहीं याद तो उसको रिव, रिव्यू कर लीजिए एक दफा वैसे तो sure आपको याद होगा कि हिज हर हिज हर योर्स माइन जब आ रही होगी तो फिर उसके साथ प्रोनाउन नहीं लगता क्योंकि पोजेशन के साथ क्यों नहीं लगता आप पूछिए क्यों नहीं लगता सिर्फ रूल है नहीं उसके पीछे कॉमन सेंस है इसलिए नहीं लगता कि पोजेशन के साथ आपने ऑलरेडी उस चीज को डेफिनेट कर दिया है उसके साथ ऑलरेडी उस चीज को स्पेसिफिक कर दिया है मखसूस कर दिया है तो जब आप एक चीज ऑलरेडी डेफिनेट हो गई मखसूस हो गई स्पेसिफिक हो गई तो अब उसके साथ आर्टिकल का आना तुक नहीं बनता कोई सेंस नहीं मेक करता। शी इज द माई सिस्टर तो अब वो नहीं कहेंगी ना कहेंगी शी इज माई सिस्टर तो अब वो मेरी बहन है ये आपको शी इज माई सिस्टर बात ऑलरेडी पता चल रही है कि वो मेरी सिस्टर है ये सिस्टर मेरी है आपको पता है शी इज द my सिस्टर यहाँ पे द की जरूरत नहीं है तो ये जो रेड में लिखा हुआ है द वो यहाँ पे आपको यह बताने के लिए लिखा गया है कि ये यह यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा क्यों क्योंकि माय आ गया है जो कि ग्रीन में लिखा हुआ है तो जब आपके सिस्टर जो के नाउन था उसके साथ एक ऐसा प्रोनाउन आ गया जिसने उसको ऑलरेडी पोजिशिव कर दिया उसकी बहन मेरी बहन उनकी बहन जब ऑलरेडी माए हिज हर आ गया तो अब द की जरूरत नहीं है मे आय बोरो योर पेन अब ऑलरेडी पेन के साथ योर आ गया है जो कि ग्रीन में है जो कि उसको पोजेसिव बनाता है तो अ की जरूरत नहीं है जो कि यहां लिखा हुआ है आपको बताने के लिए कि ये एग्जाम्पल ऐसे नहीं होगी मे आई बोरो अ योर पेन नहीं होगा पेन ऑलरेडी मुझे पता है कि उनका है तो आपका है वो ऑलरेडी स्पेसिफिक हो गया है वो उसका पेन है अब मुझे अ की जरूरत नहीं है मे आई बोरो अ योर पेन नहीं कहूंगा मे आई बोरो योर पेन कहूंगा अ की जरूरत नहीं है तो थर्ड पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आर्टिकल्स ए एन और द जो कि डेफिनेट या इनडेफिनेट हो सकते हैं द डेफिनेट आर्टिकल है ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल है द स्पेसिफिक चीज के लिए है ए और एन जनरल चीजों के लिए ये पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट जब एडजेक्टिव नाउन के साथ इस्तेमाल होगा मैं लेसन के अंदर दोबारा रिव्यू कर रहा हूं आपके लिए दिस इज द ब्लैक दिस इज द न्यू कार की जो एग्जाम्पल दी थी दिस इज द ब्लैक डॉग की जो आपको एग्जाम्पल दी थी तो जब नाउन के साथ एबजेक्टिव इस्तेमाल होगा तो उसके साथ जो आर्टिकल है वो एब्जेक्टिव से पहले इस्तेमाल होंगे एड्जेक्टिव के बाद नहीं इस्तेमाल होंगे और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आर्टिकल के ऊपर कि जब पोजेशन आ जाएगी पोजेसिव प्रो नाउन आ रहा होगा तो वो ऑलरेडी उस नाउन को मखसूस यानी स्पेसिफिक कर देगा डेफिनेट कर देगा अब उसके साथ मुझे किसी किस्म के आर्टिकल एन दा की ज़रूरत नहीं है तो मे आई बोरो योर पेन होगा मे आई बोरो अ योर पेन नहीं होगा अब मैं आता हूँ आखिरी चीज़ की तरफ वावल्स पे, इस पे आ, आर्टिकल्स पे जो आपके जानने के लिए ज़रूरी है कि कुछ अल्फाज से पहले अ आता है कुछ के पहले एन आता है बचपन में छोटे होते हम ये पढ़ा करते थे कि ए ई आई ओ यू जो वावल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के उनसे पहले हमेशा एन आता है हमेशा एक चीज़ जो स्कूलों में गलत पढ़ाई जाती है ग्रामर की क्लासेस में गलत पढ़ाई जाती है इंग्लिश की क्लासेस में गलत पढ़ाई जाती है जनरली ये कह दिया जाता है कि जहाँ ए आई ओ यू आएगा वहाँ आप एन लगा देंगे ऐसा नहीं है जहाँ वावल आएगा आप एन लगा देंगे ऐसा नहीं है जहाँ असल लफज क्या है आप गौर कीजिएगा जहाँ वावल की साउंड आएगी आप एन लगाएंगे अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखी हुई है अ हाउस आप कहते हैं दिस इज अ हाउस एक घर है क्योंकि ह हाँ की आवाज है एज की आवाज़ लेकिन आप कहते हैं आई विल बी देर इन एन आवर या हावर नहीं है इन एन आवर या एज साइलेंट है और ओ यू आर प्रोनाउंस हो रहा है आई विल बी देर इन एन आवर तो जो साउंड है वो वावल की है जो साउंड है कौन से वावल की ओ की तो साउंड वावल की है साउंड ओ की है आई विल बी देर इन एन आवर तो अब ए ई आई ओ यू की जहां साउंड आएगी वहां एन लगेगा अगर वहां पे शुरू वो ऑल दो वावल से ना हो रहा हो एच से शुरू हो रहा है तो वो वावल तो नहीं है एच ए ई आई ओ यू में लेकिन उसकी साउंड जो मेक कर रहा है क्योंकि एच साइलेंट है वो आवर ओ की कर रहा है तो इसलिए एन आवर आएगा ए आवर नहीं आएगा आई विल बी देर ए इन ए आवर नहीं होगा आई विल बी देर इन एन आवर अभी आपकी राइटिंग के लिए आपकी कॉन्वर्सेशन के लिए बड़ा जरूरी है ये पॉइंट कि लिखते हुए ये नहीं लिख देना या बोलते हुए ये नहीं बोल देना कि आई विल बी इन इन आवर क्योंकि एज तो वावल नहीं है नहीं आई विल बी देर इन एन आवर क्योंकि साउंड जो है उसकी वो वावल की है तो साउंड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट करती है ये लफज ये तस्वीर ये इमेज जो आपके सामने हुपू लाया है इस इमेज को आपने जहन में रखना है कि इस वावल साउंड जहाँ आएगी वहाँ मैं एन इस्तेमाल करूँगा इस पर आपके कुछ क्वेश्चन भी हैं आपके टेस्ट के अंदर तो आपको मजा आया लेट अस मीट इन द नेक्स्ट लेसन